हरियाणा के प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी मंत्री सरदार संदीप सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बजट में ग्रामीण विकास को ध्यान में रखते हुए कई नई घोषणाएं की हैं, जिनसे गांव में बसने वाली आबादी के जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। उन्होंने कहा कि गांव में हजारों की संख्या में प्रदेश भर में ई लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी, जिनसे युवा शिक्षित होकर अपने रोजगार एवं भविष्य को संवारने की दिशा में कदम उठा सकेंगे। राज्य मंत्री संदीप सिंह गांव छैलो तोड़ा व लोहार माजरा में आयोजित कार्यक्रमों के दौरान लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि खिलाड़ियों के लिए मास्टर चंदगी राम के नाम पर पेंशन शुरू करके मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस वर्ग का भी मान बढ़ाया है। गांव समसपुर में रहने वाले रोशनलाल की मृत्यु के बाद बेसहारा हुए उनके बच्चों में परिवार का हालचाल जानने के लिए राज्य मंत्री संदीप सिंह लोहार माजरा पहुंचे। यहां उसके बच्चों से मुलाकात की। मृतक के रिश्तेदार राजकुमार ने बताया कि रोशनलाल को कुछ लोगों ने हत्या करके उसका शव खेत में गाड़ दिया था, जिसके बाद अब उसके बच्चे लावारिस हो गए हैं। लगभग 6.5 साल की बेटी राशि और 3.5 साल के बच्चे रमन के पास कोई सहारा नहीं है। इस पर राज्य मंत्री संदीप सिंह ने अपने राहत कोष से दोनों बच्चों की शिक्षा के लिए दोनों बच्चों को 1-1 लाख रुपए और उनके मकान के लिए 2 लाख रुपए की देने की घोषणा की। साथ ही गांव के 2 अन्य परिवारों को भी मकान की मरम्मत के लिए 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि परिवार को जो भी जरूरत होगी वे मदद के लिए सदैव तैयार रहेंगे। ग्रामीण राजकुमार ने बताया कि लगभग 1.5 से 2 वर्ष पहले राज्य मंत्री संदीप सिंह उनके गांव में यहीं आए थे और उसका मकान गिरा देखकर राज्य मंत्री संदीप सिंह ने 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मुहैया करवाई थी, जिससे उनका मकान अब दोबारा बनकर तैयार हो गया है। इस मौके पर सरपंच राजेश कुमार, बाबा बलदेव सिंह, गुलाब सिंह, राहुल कंसल, साहिल कंसल, रामकिशन लोहार माजरा, नरेंद्र जिंदल, जसपाल सिंह, लखविंदर सिंह लखा, सरपंच सुरजीत तोड़ा, मास्टर सतपाल गढ़ीरवान, मोहनलाल आदि मौजूद रहे। ई लाइब्रेरी माने मुख्यमंत्री जी का विजन है कि जो युवा पीढ़ी है वो आगे बढ़े और इससे जो चीज़ भी वो सीख सकते हैं और वो आगे बढ़कर अपना भविष्य को उज्जवल करें। और अगर हम देखें तो गौशाला के लिए, गऊओं के लिए आप 400 करोड़ रुपया जो बजट है वो बहुत बड़ा बजट है। किसानों के लिए है, पेंशन जो है वो बढ़ा दी गई है, खिलाड़ियों को आगे बढ़ाया है, किसानों को आगे बढ़ाया है, महिलाओं को के विभाग में बहुत फंड आया है। अगर हम देखें PWD सड़कों के ऊपर काम किया है, पुल ब्रिज के लिए काम किया, तो अगर ओवरऑल इस बार का बजट देखें तो हर एक के लिए, हर एक इंसान के लिए वो फायदेमंद है। और अगर हम देखें टैक्स की बात करें तो टैक्स बिल्कुल भी नहीं बढ़ा है, ये सबसे बड़ी बात है। और मैं धन्यवाद करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो खिलाड़ी जो खेल शुरू करते हैं और उनको वो चोटिल हो जाते हैं तो उनकी भी पेंशन जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरुआत करने की घोषणा की है, तो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। हमारे पुराने चंदगी राम जी के नाम पर जो उन्होंने एक ये पेंशन शुरू की है, तो मैं अपना तहे दिल से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा। बीइंग ए स्पोर्ट्समैन, मुझे लगता है कि एक सच्चे इंसान और सच्चे और देशभक्त होने के नाते CM साहब ने उसका एक रूप दिखाया कि हर वर्ग के लिए उन्होंने एक अच्छा एग्जाम्पल देकर इस बार बजट लेकर आए। आपके गांव की एक तो फिरनी का काम, मैंने BDPO को बोलकर इसका एस्टिमेट बनवा के इसको काम करने के लिए शुरू करने के लिए बोला है। शिवधाम योजना में शमशान घाट का, चाहे वो ब्लॉक का, रास्ते का, चाहे चारद्वारी का काम हो, जोड़ की सफाई का, चारद्वारी का काम हो, कुछ गलियों का कुछ काम है, और एक यहां पर जिम के रूप में, क्योंकि यहां पर एक जगह है जो सफाई करके सरपंच साहब चाहते हैं वहां पर नौजवानों के लिए कुछ ऐसी चीज बनाई जाए जिससे कि वो ओपन जिम कर सके, तो उसके लिए कार्य जो है वो प्रगति के साथ आगे बढ़े और उसको शुरू करके उसको पूर्ण करवाएं। और ये मैं आप सबको आश्वासन भी देता हूं और आपके जितने भी कार्य जो डिमांड्स हैं एक एक करके उसको पूरा करें। बहुत से गांवों में कई चीजें जो हैं वो शुरू हो गई हैं, आपके गांव के भी आज हमारी एक लिस्ट जानी है, उसमें भी कई काम जो हैं वो आज ही चले जाएंगे और जो काम बचेंगे उसको बहुत जल्दी ही पूरा करके आपके गांव को भी आगे बढ़ाएंगे। ये मेरा प्रयास रहेगा।